विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों पर प्रशासन की कार्रवाई की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी क्रम में शनिवार यानी 4 जुलाई को भी एक बड़ी कार्रवाई की गई। इस बार प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों द्वारा नंदगंज थाना क्षेत्र में किए गए अवैध कब्जे पर जेसीबी चला उसे गिरवा दिया। आइए पहले आपको इस कार्रवाई की एक झलक दिखाते हैं। असल में शनिवार को राजस्व विभाग की टीम के साथ पुलिस प्रशासन नंदगंज थाना क्षेत्र के फतेहउलपुर में स्थित विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से बने गोदाम पर पहुंचा था। यहां सैयद बड़ा मोहल्ला निवासी मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, साला आतिफ रजा, साला अनवर शहजाद, जाकिर हुसैन तथा रविन्द्र नारायण सिंह के नाम से रजिस्ट्री जमीन पैमाइश की गयी। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने शनिवार को जानकारी दी थी कि यहां तालाब के नंबर पर फर्जी तरीके से नाम इजाद कर ग्राम समाज को नुकसान पहुंचाया गया था। देखिए, जनपद गाजीपुर के फतेहउल्लापुर एक गांव में ये शिकायत मिली थी कि कतिपय व्यक्तियों के द्वारा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान ग्राम समाज में जो काटा संख्या तालाब के रूप में अंकित था उस पर फर्जी तरीके से अपना नाम अंकित करा लिया और फिर उस भूमि का क्रय विक्रय कर लिया, जिसको मुख्तार अंसारी और उसके कतिपय व्यक्तियों के द्वारा परचेज किया गया और उस पर खाद्यान्न का गोदाम बना के संचालित किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने इसकी सम्यक रूप से जांच कराई और यह तथ्य सही पाया गया कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान एक गाटा संख्या जो 32 बीघे का तालाब के रूप में अंकित था उस पर फर्जी तरीके से कुछ व्यक्तियों ने अपना नाम अंकित करा लिया। उसे एक विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ने परचेज किया, जिसके जो मुख्य रूप से जो पार्टनर हैं वो अफसा बेगम है, जाकिर हुसैन है और आतिक रजा है, रविन्द्र नारायण सिंह है, अनवर शहजाद निवासी है। ये सभी लोग उसके पार्टनर हैं। इन लोगों ने उसको परचेज किया। शिकायत सही पाए जाने के बाद हमने SDM सदर और CO सिटी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की। कप्तान साहब से हमने डिस्कशन किया और आज हम लोगों ने उस पूरी भूमि को जाकर के कब्जे में लेकर पुनः ग्राम पंचायत को वापस कर दिया। सर, ये गवर्नमेंट लैंड कितनी थी जिसका इंक्रोचमेंट इन लोगों ने कर रखा? देखिए, कुल 15 बीघे जमीन का गलत इंद्राज हुआ था, जिसमें से 5 बीघे जमीन इस जो इनकी संस्था थी उनके नाम थी। 5 बीघा आज मुक्त कराया गया है। शेष भूमि भी हम लोग मुक्त कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट मुक्त कराने के बाद क्या कोई क्राइम का केस भी दर्ज किया गया? देखिए, चूंकि ये चकबंदी प्रक्रिया सन 70 में हुई है तो हम लोग उसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण कर रहे हैं कि किन लोगों ने इस तरह से फर्जी एंट्री की थी और उनके खिलाफ अगर ये पाया जाता है कि लोगों ने मिल करके एंट्री कराई है तो जिन लोगों ने एंट्री की है और जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। जांच नतीजे सामने आने पर अवैध रूप से किए गए निर्माण को पुलिस ने JCB से ध्वस्त करा दिया। CO ओजस्वी चावला ने बताया कि जमीन की पैमाइश कराई गई, इस दौरान अवैध रूप से किए गए कब्जे को ध्वस्त कराया गया। कब्जा वाले स्थान का चिन्हीकरण कर दिया गया है। टीम में सदर SDM प्रभाष कुमार, CO धनंजय मिश्रा, CO ओजस्वी चावला, CO भुड़कुड़ा राजीव द्विवेदी, नंदगंज SO राकेश सिंह, शादियाबाद कोतवाल संजय वर्मा, तहसीलदार मुकेश सिंह, राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इसमें RFC का गोदाम चल रहा था, एक कंपनी गठित करके जिसमें इनके परिजन सदस्य हैं इस कंपनी में। उसमें जैसा कि जिलाधिकारी साहब ने बताया आपको, लगभग 15 बीघे जमीन टोटल थी जिसमें 5 बीघे उन्होंने रजिस्ट्री करा रखी थी। तो जो इंक्रोचमेंट की ज़मीन थी उसको आज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर के गिराया है। उस ज़मीन को कब्जे में लिया गया है और वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात की गई है और इस संदर्भ में राजस्व विभाग द्वारा जो जिन लोगों के खिलाफ तहरीर दी जाएगी अभियोग पंजीकृत करके उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।